तो फाइनली दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं, हम ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा जो कि दोस्तों रहेगा हमारा 3 KVA का, और दोस्तों 90 वोल्ट टू 440 वोल्ट का डाटा है ये। और तो और दोस्तों, आप इसको अगर कवर बनाते हैं या फिर अल्मीनियम बनाते हैं, और तो और दोस्तों के 7 नंबर 4 इंच का है दोस्तों, मतलब कि 7 नंबर कोर रहेगी और 4 इंच का वॉबिन साइज रहेगा दोस्तों। हम दोस्तों इस वीडियो के अंदर बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज क्लियर करेंगे कि प्राइमरी का गेज क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग का गेज क्या होगा, इसमें कोर कौन सा रहेगा, वॉबिन साइज कौन सा रहेगा, जितना भी होगा सब क्लियर करेंगे दोस्तों। बस दोस्तों वीडियो को आप कंप्लीट वॉच करना, मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपका क्लियर हो जाएगा एक एक चीज। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ, और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग दोस्तों, और ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग दोस्तों। ये है दोस्तों सेकेंडरी वाइंडिंग का 0 वाला लूप, और ये है 24 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों। ये है दोस्तों 0 वाला लूप, और ये है 24 वोल्ट की सप्लाई दोस्तों। दोस्तों डबल सप्लाई क्यों है वो हम आगे आपको क्लियर करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये है प्राइमरी वाइंडिंग का 0 वाला लूप, जो कि होता है ये न्यूट्रल वाला लूप। ये है दोस्तों हमारी पहली लूप, जो कि है ये 137 वोल्ट की। ये है दोस्तों दूसरी लूप, जो कि है ये 200 वोल्ट की, मतलब कि 200 वोल्ट की। यह है दोस्तों तीसरी लूप, मतलब कि 240 वोल्ट की, मतलब कि 240 वोल्ट की दोस्तों। यह है दोस्तों चौथी लूप, जो कि है ये 290 वोल्ट की। और दोस्तों ये है हमारी लास्ट वाली लूप 418 वोल्ट की दोस्तों। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि इसमें कोर कौन सा रहेगा, वॉबिन साइज इसमें कौन सा होने वाला है, इसमें प्राइमरी का और सेकेंडरी का वायर गेज क्या होने वाला है, और साथ ही में एक चीज़ और भी जानेंगे हम कि इसका TPB क्या होगा। जैसे कि अगर इसमें हम कुछ अपनी वोल्टेज रेंज की लूप अगर कुछ चेंज करना चाहें तो दोस्तों हम कर सकते हैं अपनी TPB से दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद दोस्तों फिर हम इसके टर्न्स निकालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले बात तो यहाँ पर यह आ रही है कि जो इसमें कोर जो हम यूज करेंगे दोस्तों, वो कोर है दोस्तों इसका 7 नंबर का, मतलब कि 7 नंबर की कोर है दोस्तों। और इसमें जो बॉबिन साइज है दोस्तों वो है 4 इंच का, मतलब कि 4 इंच की इसकी स्ट्रेक है दोस्तों बॉबिन की। दोस्तों प्राइमरी में, मतलब कि प्राइमरी का जो वायर गेज है दोस्तों, प्राइमरी में हम कौन सा वायर गेज यूज करेंगे और सेकेंडरी में, तो दोस्तों यहाँ पर जो हम वायर गेज जो यूज करेंगे वो हम टोटली एक ही वायर गेज यूज करेंगे, जो कि रहेगा दोस्तों 16 नंबर का, मतलब कि 16 नंबर से हम टोटल वाइंडिंग इसकी करेंगे दोस्तों। दोस्तों सेकेंडरी में यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर जो आप वायर गेज यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे 26 नंबर का, या फिर आप 25 नंबर का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों इसकी TPB क्या है वो भी यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसकी जो TPB है वो है 0.93 दोस्तों, यह है इसकी दोस्तों TPB। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं इसके टर्न्स कि इसमें टर्न्स कितने कितने आने वाले हैं। तो पहली लूप में जो टर्न है दोस्तों 137 वोल्ट की जो लूप है हमारी, यहाँ पर जो टर्न आएंगे दोस्तों वो आ रहे हैं 128 टर्न, मतलब कि 128 टर्न दोस्तों। दोस्तों दूसरी वाली लूप में जो हम टर्न देंगे वो हम देंगे 59 टर्न, मतलब कि 59 टर्न दोस्तों, जो कि दोस्तों तीसरी वाली लूप में जो हम टर्न देंगे वो हम देंगे 38 टर्न, मतलब कि 38 टर्न दोस्तों। दोस्तों जो कि चौथी वाली लूप में जो हम टर्न देंगे वो हम देंगे 47 टन, मतलब कि 47 टन। दोस्तों लास्ट वाली लूप में जो कि 418 वोल्ट की जो लूप है हमारी, यहाँ पर जो हम टर्न देंगे वो हम देंगे 119 टन, या फिर 120 टन भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों सेकेंडरी के भी टर्न्स को जान लेते हैं। तो यहाँ पर जो 24 वोल्ट की जो सप्लाई है दोस्तों, यहाँ पर जो हम टर्न देंगे वो हम देंगे 24 टन, फिर हम 24 टन और देंगे दोस्तों, तो हमारा ये डबल सप्लाई निकल जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से मैंने यहाँ पर क्लियर की है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो था सब पूरा डाटा मैंने क्लियर कर दिया है दोस्तों। तो ये दोस्तों जो है हमारा 90 वोल्ट टू 440 वोल्ट का
ऑटोमेटिक ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग डाटा है ये दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक ही चीज़ बिल्कुल बारीकी से क्लियर हो गई है और आपका भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों। दोस्तों मुझे एक छोटी सी उम्मीद है आपसे कि आप अगर मेरे चैनल से नए हैं या फिर पुराने, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों वीडियो जरा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। दोस्तों कुछ भी अगर अधूरा रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।